बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं बुजुर्गाने दीन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है होशियार होने के हवाले से। होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। जैसे जैसे रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, कोरोना वायरस भी तेज़ी से फैलता जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना का ड्रामा नहीं चलेगा। मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश, यहूद और नसारा की साजिश इस बार ना किसी मौलवी की सुनेंगे, ना ही इंतजामिया की और ना हुकूमत की। चाहे कुछ भी हो जाए डटे रहेंगे, इस मुबारक महीना में मस्जिद को वीरान नहीं होने देंगे। पिछले रमज़ान मुबारक कोरोना का ड्रामा करके मस्जिद बंद कर दी गई, इतकाफ़ में बैठने नहीं दिया गया। आम दिनों में कोरोना ख़त्म हो जाता है, लेकिन जहाँ दीन इस्लाम की बात आती है वहाँ कोरोना आ जाता है। बाज़ारों में कोरोना नहीं आता, मस्जिद में आ जाएगा। और दूसरी जानब वही इंतज़ामिया की निगरानी में शियों के प्रोग्रामात और जुलूस हो गया। रमज़ान और ईदैन के बाद सिवाय तालीमी इदारों के कोरोना कहीं पर नज़र नहीं आता, और अब मुमकिन है कि इस बार फिर कोरोना का रोना शुरू हो जाए। तमाम मुसलमान अभी से मुकम्मल हिम्मत और ईमान के साथ फैसला करें कि ना तरावी बंद होगा, ना नमाजियों की तादाद पर पाबंदी कबूल करेंगे। और उलमाए कराम को भी चाहिए कि किसी भी इदारे या हुकूमती दबाव में ना आएँ और मजबूत रहें। तमाम मुसलमान इंशाल्लाह साथ देंगे। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकअल्लाह। तो दोस्तों अगर आपकी आज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदे से हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। मैं दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।